अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर है ये लेक्चर 11 है। सेक्शन 4 का जो हमारा बाकी पार्ट रह गया था प्रीवियस, ये उसका फर्दर पार्ट है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप CSS एस्पिरेंट भी हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पहले हम लोगों ने कैसे टॉपिक्स कवर किए हैं और हम किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक आउटलाइन डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी का जो भी अभी तक प्रॉपर एक बहुत बड़ा तो कोई सिलेबस नहीं आया, लेकिन जो टॉपिक्स हैं जो मेजर क्रिमिनोलॉजी के अंदर कवर होने चाहिए हमारे पास ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आप सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो सीक्वेंस में देखते हैं। यानी कि देखा जाए तो फॉर्मली ये क्रिमिनोलॉजी का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 11, लेकिन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या डिस्कस किया, पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक्स और बाकी चीज़ों से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली दैट वाज जनरल डिस्कशन। अब जो आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर में, हमारे कंटेंट है, एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि रिलेटेड टू क्रिमिनोलॉजी है, और एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको नज़र आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ना कि सिर्फ क्रिमिनोलॉजी के लिहाज से बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर में आ सकता है, आपके IER के पेपर में आ सकता है, या कहीं पे भी ये आ सकता है। इसकी नॉलेज आपकी इवन SA में भी यूज़ हो सकती है। बहुत जगह पे आप मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक नॉलेज को या फिर इसकी टेक्निक्स को या टर्म्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है, मीन्स कि इसकी एक बेसिक डेफिनेशन, और उसके अलावा यानी कि होता यूँ है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर होते हैं मिलजुल कर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के ज़मीन जो है वो हमें गवर्नमेंट दे देती है कि हमारी ज़मीन के ऊपर आप जो है ना वो काम करें, और इसमें प्राइवेट लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये होता है कि एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन जाता है, उसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट उसको ग्रुप को प्रोजेक्ट दे रही है। बाकी लोगों को बेनिफिट होता है, जनरल पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिग्निफाइज कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग बिल्डिंग और ऑपरेटिंग पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यानी कि ये वो बात है जिसमें फाइनेंसिंग भी हो रही है, पब्लिक के प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं आपके पास, ठीक है, दोनों की कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। बेनिफिट्स की जहाँ तक हम इसके बात करें तो इसके ऑब्वियसली अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स में जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन टाइम एंड विद इन बजट, ऑफकोर्स एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन इनोवेटिव डिज़ाइन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स एंड इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। मतलब डेफिनेटली एक बहुत ही बेसिक से, मतलब जो अभी तक मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं। इसके बाद रिस्क शेयरिंग बाय GOP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विद प्राइवेट सेक्टर एंड पार्टनर्स, उसके अलावा सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंश्योरिंग गुड क्वालिटीज पब्लिक सर्विस एंड देयर वाइडर जो है ना अवेलेबिलिटी, गुड क्वालिटी पब्लिक सर्विस के लिए पता लग रही है आपको, ठीक है, रियल फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड अ बेटर यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज्ड एंड वाइडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली जब आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा और क्या आपके पास, इसके आपके डिफरेंट जो वेंचर हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मतलब इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इसके बाकी क्या है, इसका फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है, इसके आगे कंपोनेंट्स क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हर हर चीज़ को। अब मैं इसके वेंचर्स की बात कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन होम्स बने हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हैं, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनी है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और कमेटी की हम एक लेक्चर के अंदर प्रॉपर डिटेल से बात कर चुके हैं जो कि सेक्शन 2 में था, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल बनी है KPK के अंदर, उसके अलावा इसमें पैरोल की लाइसेंसिंग बनी है, प्रोबिशन पैरोल और पैरोल के आगे से जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पैरोल लाइसेंसिंग। अब आप देखिए कि हमने प्रीवियस सेक्शंस के अंदर जितनी भी बातें की हैं वो सारी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, यानी कि वो इनके बेनिफिट्स में यूज़ हो रही हैं। काम गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके साथ मतलब शेयर कर रही है ये काम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, आपके फाइनेंसिंग को बेनिफिट मिल रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका टाइम, बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज कर रही है, एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रही है, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसका जो लीगल फ्रेमवर्क बना है ना वो ये है कि पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है एक्ट 2017, जो कि एक की एजेंसी है हमारे पास, गवर्नमेंट मैंडेटेड बाय द स्टैट्यूट टू एक्सप्लोर एवेन्यू एंड कॉपरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक प्रोजेक्ट। यानी कि फॉर्मली इसका जो एक्ट पास हुआ है वो था 2017 के अंदर। अगर जो है हम चैलेंजेस की बात करते हैं इसके अंदर, चैलेंजेस क्या हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पाकिस्तान के अंदर,
तो पाकिस्तान में हमारे पास सबसे एक जो मेजर चैलेंज है वो है गवर्नेंस डेफिसिट. ठीक है, गवर्नेंस डेफिसिट है हमारे पास. इसके अलावा जो है गवर्नेंस डेफिसिट है हमारे पास, इसका चैलेंज करप्शन है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम है इसमें जो हमारे लिए हर्डल क्रिएट करने चैलेंजेस हैं, और इसके अलावा है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. आगे चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टॉपिक छोटा सा था जो कि इतना ही था. आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल से सुने ताकि आपको टेक्निकलिटीज़ के बारे में पता लगे. अगर देखा जाए तो बज़ाहिर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल पैसा, या फिर अगर इससे रिलेटेड हमारे माइंड में कोई वर्ड आए तो नॉर्मली आता है जरदारी साहब का, या फिर जो रिसेंटली हमने केस सुना था उससे रिलेटेड, और अयान अली का केस सुना था जो कि मतलब रिपोर्ट तो हुए लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया. देखिए, किसी भी तरह से इलीगली कंसीलमेंट ऑफ मनी या इलीगल अर्न वेल्थ जो आपके लिए मतलब ठीक है, गलत तरीके से आपने कमाई है, जैसा कि ट्रक जो है ड्रग्स के थ्रू आप ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, या फिर आप जो है मतलब बाकी सारे गलत काम कर रहे हैं, आप पैसा गलत तरीके से ला रहे हैं, आप उसका टैक्स नहीं पे कर रहे. अब होता क्या है, इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगी कि मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझ अब कैसे आएगी. एक बंदा है जो कि एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ठीक है, उसने क्या किया कि उसके पास जी निकल आई है 10 लाख रुपए की, ना उसने शो ये कराया कि उसके 10 लाख की लॉटरी निकली है. अब हकीकत ऐसी नहीं है. अब लॉटरी के पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि उसने 10 लाख रुपए किसी से रिश्वत ली है. अब रिश्वत लेके बड़ा परेशान है कि अब मैं ये पैसा कैसे शो कराऊँ, या मैं इस पैसे को कैसे दिखाऊँ कि मेरे पास इतना पैसा आ गया. होता ये, अब उन साहब का जी ड्राइवर आके कहता है कि सर आप परेशान ना हो, हम एक काम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि मेरे अब आप ये स्टोरी बनाएं कि मेरे जो है ना मेरी बीवी ने बड़े मेहनत करके पैसे जमा करके मेरी 6-7 महीने की तनख्वाह जोड़ के एक प्राइस बॉन्ड ख़रीदा था, अब खुशकिस्मती से मेरा वो प्राइस बॉन्ड निकल आया. अब वो प्राइस बॉन्ड की स्टोरी क्या थी कि उन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढा जिसका वाकई में रिसेंटली कोई प्राइस बॉन्ड निकला, उस बंदे से उन्होंने जाके कहा कि एक काम करो, तुम क्या मतलब जाके बैंक में जमा कराओगे, खवार होगे या जो भी करोगे, टैक्स कटेगा, पैसे कटेंगे, पीछे क्या 6-7 लाख की अमाउंट रह जाएगी, क्या फ़ायदा, एक काम करो तुम सीधा सीधा मुझसे 10 लाख रुपए पकड़ो और ये बॉन्ड मुझे दे दो. अब वो बंदा जो है अगर इनसे मतलब डीलिंग हो जाती है और आपको प्राइस बॉन्ड मिल गया 10 लाख रुपए का, ठीक है, अब आपके हाथ में प्राइस बॉन्ड भी आ गया. अब हुआ ये कि ये ग्रुप में बात चलेगी जी इन मेरी बीवी ने जो है ना एक अफसर साहब की बीवी ने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, वो लॉटरी का टिकट, ठीक है, लॉटरी टिकट ख़रीदा. लॉटरी टिकट ख़रीदने के बाद अब उन्होंने शो कराया जी मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया, मेरे पास तो टिकट है प्राइस बॉन्ड का, सब ने मुबारकबाद देना शुरू कर दी, चलें कुछ पैसे आपकी पार्टीज़ और इन सब चीज़ों में लग गए, और फिर जो है वो आपका ये पैसा जो है वो हलाल हो गया. अब पीछे जो स्टोरी थी वो अब आपने देख ली कैसे चली. अब पैसा इन्होंने क्या किया कि लीगल करा लिया, हलाल नहीं इन सेंस कि लीगल हो गया पैसा बाप का. यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में हो क्या कुछ रहा है. अब आप डिफरेंट तरीकों से जिन पर टैक्सेस नहीं पे करते, इलीगली पैसा मंगवाते हैं, लीगली भेजते हैं, ड्रग्स की डीलिंग करते हैं, ये बाकी सारे जो भी काम करते हैं इससे रिलेटेड. अगर इसकी लीगल एक डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग ओरिजिन ऑफ इलीगली अर्न मनी बाय इंटीग्रेटिंग इट इन द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्राइम्स एंड कंडक्ट कमीशन. ठीक है, स्टेजेस हैं हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग की, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन. होता क्या है, प्लेसमेंट की जो पहली स्टेज है इसमें ये होता है कि जो मनी आपने अर्न किया ना इलीगली तरीके से, उसको आपने किसी ना किसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम के अंदर घुसाना है. मैंने क्या कहा था, मैंने जाके बैंक में शो कराया मेरी तो लॉटरी निकली है, 10 लाख की निकल आई है, चलो 20 लाख की भी निकल आई है, मेरी लॉटरी निकली है. अब इस तरह ही आपने बैंक में शो कराना था, ठीक है, आपने डिफरेंट टूल्स और टैक्टिक्स अपनाए इसमें जो है ना, आपने छोटे छोटे, या फिर ये भी तरीका हो सकता है कि आप छोटे छोटे डिपॉजिट्स करवा लें एक ही दफ़ा ना पूरे पैसे जमा कराएं. लेयरिंग में क्या होगा कि अब जो मनी आपकी बैंकिंग सिस्टम में एंटर तो हो गई है, अब इसको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए आपने हाइड भी करना है. अब जो ट्रांजैक्शन क्या करेगी, मतलब कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, थोड़े थोड़े ऊपर नीचे आप कर रहे हैं, कभी बाद में पैसा निकलवा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं. इंटीग्रेशन में क्या आता है, ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर जो आपकी जितनी भी पैसे हैं ना वो तमाम के तमाम पैसे वापस घूम फिर के आने उस मनी लॉन्डर के पास ही हैं जिसने सारी स्टोरी बनाई है, जिसको वो लीगली डिक्लेयर कर रहा है. अब जैसे मैंने आपको बॉन्ड की स्टोरी सुनाई है, मतलब जैसे भी उसने पैसे 10 लाख रुपए आ तो गए थे, अब ये 10 लाख रुपए किसी न किसी तरीके से बैंक में भी गए हैं, बैंक से निकले भी हैं, फिर टैक्स चुक्स ला के अब उसने पैसों को लीगल भी बना लिया कि जो मेरा तो प्राइस बॉन्ड निकला था. किसी न किसी तरीके से अपने बैंक के प्रोसीजर से अपनी मनी को गुजारा और उसके बाद उसको लीगल डिक्लेयर करवा लिया. इन शॉर्ट दिस इज काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. अब होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पाकिस्तान का और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनका आपस में क्या ताल्लुक. FATF की पहले हम बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि 7 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई थी, जिसमें 40 रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, 40 रिकमेंडेशंस थी उसमें. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने
उसके बाद 9/11 हो गया. 9/11 होने के बाद जी उन्होंने क्या किया कि 9 रिकमेंडेशंस और दे दी, यानी कि अब इसमें क्या आ गया, 40+9 रिकमेंडेशंस आ गई, जिसमें 40 जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड थी. आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए और फिर काफ़ी सारे कंट्रीज जो हैं वो इसके साथ जो है ना अटैच होते गए. ठीक है, ये एक प्रॉपर यूनियन बन गया, मनी लॉन्ड्रिंग यूनियन. ठीक है, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग की भी आ गई और जो है वो 9 जो है उसके अलावा बाकी 40 जो थी वो मनी लॉन्ड्रिंग की आ गई. इसमें अब जो मेंबर्स शामिल हो गए वो कितने मेंबर्स बन गए, 36 मेंबर्स, यानी कि 36 ममालिक इसमें शामिल हो गए. उन्होंने सारा रिव्यू करना शुरू कर दिया कंट्रीज़ को. ठीक है, अब कंट्री टू कंट्री फाइनेंशियल एक्सपर्ट टास्क फोर्स ने जो है ना असेसमेंट करनी शुरू कर दी. अब इसमें होता क्या, यानी कि अब आप जो ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो जिस तरह से भी कंट्री टू कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उससे रिलेटेड बनी है. ठीक है, अब हुआ ये कि उन्होंने दो कैटेगरीज डिफाइन कर दी, एक थी हाई रिस्क कैटेगरीज यानी कि सीधा सीधा और ब्लैक लिस्ट, और एक जो होती है अदर मोनिटर्ड ज्यूरिस्डिक्शंस यानी कि ग्रे लिस्ट. ब्लैक लिस्ट में इस टाइम पे ईरान और कोरिया वगैरह टाइप की कंट्रीज़ आ रही हैं, यानी कि ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज़ आएंगी उनके साथ आपका प्रॉपरली लेन देन ख़त्म, मना. ग्रे लिस्ट जिसमें पाकिस्तान भी दो बार आ चुकी है, 10 कंट्रीज़ हैं वैसे तो इसमें, लेकिन ये होता है कि इनका थोड़ा बहुत रिस्क है. तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट ये कोई कोडेड वर्ड नहीं है किसी भी आइन के अंदर, दो वर्ड्स हैं. जिसको हम ब्लैक लिस्ट कहते हैं उसका जो बेसिकली मतलब है वो है हाई रिस्क कंट्रीज़, इनके साथ किसी भी किस्म की लेन देन नहीं की जाएगी. उसके बाद जो दूसरा वर्ड है जिसे हम ग्रे लिस्ट कहते हैं उसे कहते हैं अदर मोनिटर्ड ज्यूरिस्डिक्शंस, यानी कि ये वो हैं कि जिनसे प्रिकॉशंस के साथ आप लेन देन करेंगे. पाकिस्तान के जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात आई, पहले तो पाकिस्तान ने कभी बॉदर ही नहीं किया इस एक्ट को बनाने के बारे में. 2010 में पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बन गया फाइनली, यानी कि अब एक्ट क्या था हमारे पास, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010. डेफिनेशन ये थी, अंडर सेक्शन 3 ऑफेंडर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक आ गया, आगे चलते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क अब कुछ यूँ हमारा काम कर रहा है. सबसे पहले हमारे पास जो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो सबसे ऊपर है, हेड इसे कौन कर रहा है, हेड कौन कर रहा है, इसे हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस चेयरपर्सन. इसके अंदर बाकी लोग जो आते हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर आ जाता है, मिनिस्टर ऑफ लॉर्ड जस्टिस आ जाता है, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर आ जाता है, गवर्नर SBP आ जाते हैं, चेयरमैन आ जाते हैं SECP के, और डायरेक्शन डायरेक्टर जनरल FMU के, फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट के सेक्रेटरी आ जाते हैं, यानी कि ठीक है. अब इनके रोल्स क्या होते हैं, इन्होंने डेवलप करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है नेशनल स्ट्रेटजी को मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब देखने के लिए कि कैसे हो रही है, उसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, डिटरमिन करना है ऑफेंस एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान दैट मे बी कंसिडर टू बी प्रैक्टिसेस ऑफेंस, यानी कि इंटरनेशनली हमारा रेपुटेशन ठीक रहे, कोई ऐसा ऑफेंस या इस तरह की कोई बात ना डिक्लेयर की जाए. ठीक है, जनरल कमेटी, उसके बाद हम एक बात करते हैं. जनरल कमेटी का जो हेड है वो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस होता है हमारे पास. आप छोटा सा एरो देख रहे हैं, अब आपको आइडिया हो रहा है कि मीन्स कि ये एरो कैसे मतलब काम कर रहे हैं हमारे पास. ठीक है, उसके अलावा जनरल कमेटी के अंदर हमारे पास जो आता है वो हेड कौन कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस. जनरल कमेटी के अंदर जो रिक्वायर्ड होता है वो असिस्ट कर रही है उसको NEC डिस्चार्ज ऑफ सेचुरेटरी फंक्शंस के अंदर. ठीक है, इसके कंपोजिशन कैसे होती है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस चेयरमैन है हमारे पास जनरल कमेटी का, उसके बाद आता है सेक्रेटरी इंटीरियर मेंबर, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर का मेंबर, सेक्रेटरी लॉ का मेंबर, चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि NAB का मेंबर आ जाता है, चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR का एक मेंबर आ जाता है इसके अंदर. फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मेंबर आ जाते हैं. इसके बाद हमारे पास इसमें डायरेक्टर जनरल जो है वो एंटी नारकोटिक फोर्स के मेंबर आ जाते हैं. फिर हमारे पास डिप्टी गवर्नर SBP के मेंबर आते हैं. फिर हमारे पास कमिश्नर SECP का मेंबर आता है. फिर हमारे पास क्या आते हैं जी, डायरेक्टर जनरल मेंबर सेक्रेटरी. तीसरा जो हमारे पास इसका स्टेप है फ्रेमवर्क का प्रॉपर, उसमें हमारे पास है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका एक फ्रेमवर्क है पाकिस्तान का प्रॉपर. ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एज अ डिज़ाइन किया गया है इसके मतलब अब इसकी क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, ये चेक कर रहा है FATF की रेगुलेशंस. FMU जो है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ये रिसीव करता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, यानी कि 2 मिलियन से ऊपर की ट्रांजेक्शन इसको सस्पिशियस लग सकती है, या फिर कोई ऐसी करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जिसे हम CTR कहते हैं. ठीक है, इस तरह की कोई भी सस्पिशियस किस्म की ट्रांजैक्शन जो लगे कि यार नहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे अगर कोई बंदा भी 20 लाख से ऊपर की अमाउंट या 20 लाख एग्जैक्टली जमा करा दे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कॉशियसनेस आ जाती है. हमारे पास FMU जो है वो बना है, उसके अंदर क्या आता है, FMU के अंदर हमारे पास NAB है, FIA है, FBR वगैरह काम कर रहे हैं. 2010 में ये बनी थी प्रॉपरली. ठीक है, अब हुआ ये था कि इनका एक ही टोटल ऑफिस है FMU का कराची के अंदर, और कहीं भी पूरे पाकिस्तान में भी इनको ऑफिस है ही नहीं.
अब होता क्या है कि मतलब इनके जितने भी सेक्शंस है ना उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि हर साल, अब ये जो मैंने आपको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बताया पाकिस्तान को जो नॉर्मली फ्रेमवर्क बना हुआ है, कोडेड कह सकते हैं, लॉ कह सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से कुछ इसका ये हिसाब है कि कहा तो ये गया है कि जी हर साल हम एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें प्रॉपर फंक्शंस होंगे, पता लगेगा कि ये सारी की सारी बॉडी है, ये सारा का सारा जो फ्रेमवर्क है वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में 2010 से लेके आज तक किसी एक बंदे को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सज़ा नहीं हुई है। FMU जो है वो मतलब किसी भी इदारे से इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है, यानी कि किस रिलेटेड बेनामी ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, सेल्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें जो इसके अंडर आ जाती हैं और इसका यही काम है कि इसने सारा कुछ चेक करना है। अब देखें अभी तक प्रॉपर्ली सजा नहीं हुई, हाँ केसेस चले हैं लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जैक्टली केस नहीं अभी तक किसी पे बना। आजकल हमारी FBR यानी कि जब हम ये लेक्चर बना रहे हैं इन 2019 में, ज़ाहिर है अब हर हर बंदे की चेकिंग हो रही है, FBR सारी चेक कर रही है, लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे, जो इलीगली अपनी वो रख रहे हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारे अभी भी हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं। हमारे फ्रेमवर्क को प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, जब तक ऐसे इदारों में FIA, FBR इन सब इदारों में प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ये फ्रेमवर्क प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। हमारे जो फ्लॉज हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, वो सबसे पहले तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, जो कि FMU को हमने प्रोवाइड किए हुए, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को रिसोर्सेज पूरे नहीं प्रोवाइड किए हुए। FMU का ऑफिस सिर्फ एक है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ कराची के अंदर ही है। NEC जो है वो अपने रोल को एक्सरसाइज नहीं कर रही है, NEC नेशनल जो है ना हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट मैंने आपसे क्या कहा, बनती है, ये डिज़ाइन हुआ है, लेकिन अभी तक सबमिट कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं हुई। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है हमारे पास, बहुत सारे इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास कितने ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसा टॉपिक है, इसका फ्रेमवर्क कैसा है और इसके बाकी फीचर्स कैसे हैं, इनसे आप आइडिया कर सकते हैं। आप इसको बाकी भी जगह से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल डिस्कशन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग की हमारी बात यहीं तक थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।